जी बच्चे यहाँ तक क्लियर है सब। तो मैं आपको कह रहा था कि आप इमेजिन करें आपके पास दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए, वेक्टर ए का कंपोनेंट्स होंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए वाई के कैप। बिल्कुल इसी तरह आप इमेजिन करें आपके पास एक बी वेक्टर है, बी वेक्टर के भी कंपोनेंट्स होंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अच्छा बच्चे, अगर आप इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लें, डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आप क्या करें जी, आप वेक्टर ए को डॉट मल्टीप्लाई कर दें वेक्टर बी से। यानी आप पहले लिखें ए वेक्टर ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट। सर ए जेड आना है, आपने ए वाई लिखा है, अच्छा ठीक है, प्लस ए जेड के कैप, इसकी आप ले लें जी डॉट प्रोडक्ट बी वाले वेक्टर के साथ, दैट इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। यानी आपने यहाँ पर दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने की पोजीशन में ले आए हैं आप। अब आपने ए एक्स आई कैप को पहले मल्टीप्लाई करना है बी एक्स आई कैप से, फिर आपने इसको करना है बी वाई जे कैप से, और फिर आपने इसको करना है बी जेड के कैप से। ये सारी बात मैंने कल भी समझाई थी, लेकिन आज मैं एक मकसद के तहत समझा रहा हूँ। तो ए एक्स को मल्टीप्लाई करें आप बी एक्स से, और यहां पर आएगा आई हैट डॉट आई हैट जमा ए एक्स को मल्टीप्लाई किया बी वाई से, आंसर आया आई हैट डॉट जे हैट, और फिर हमने ए एक्स को मल्टीप्लाई किया बी जेड से, और ब्रैकेट में आया आई हैट डॉट के हैट। ठीक है बच्चे, तो ये सारी बातें मैंने कर ली ए एक्स आई कैप के बारे में। अब आपने ए वाई जे कैप को मल्टीप्लाई करना है इससे बी एक्स से, फिर आपने उसको करना है बी वाई से, और फिर आपने उसको करना है बी जेड से। तो यहां पर हम लिखते हैं प्लस ए वाई बी एक्स, ये बनेगा जी जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर प्लस, एक मिनट दीजिएगा, प्लस आप यहां पर करेंगे, सर आपकी वॉइस सही नहीं आ रही, कोई और है जिसको मेरी आवाज सही ना आ रही हो? रिजवा आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम है, आप काइंडली लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। बच्चे आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम है, आपका इंटरनेट एक्चुअली स्लो है इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है। कोशिश करें कि इंटरनेट थोड़ा अपग्रेड करवा लें, अगर वो नहीं हो सकता तो घर में अगर कोई मोबाइल वगैरह चल रहे हैं इंटरनेट पे तो वो बंद करवा लिया करें, ये हल है इसका। अच्छा बच्चे देखें जरा, यहां तक तो क्लियर है ना सबको? यहां तक क्लियर है ना सबको? फिर आपने जी ए वाई को मल्टीप्लाई करना है बी जेड से, और ब्रैकेट में आपके पास आएगा जी जे हैट डॉट के हैट। अच्छा अब आपने लास्ट वाले यानी ए जेड को सबसे मल्टीप्लाई करना है, आप करें जी ए जेड बी एक्स आएगा के हैट डॉट आई हैट प्लस, आप करें जी ए जेड बी वाई आएगा जी के हैट डॉट आई हैट। इसी तरह जी आप करें ए जेड बी जेड आएगा जी के हैट डॉट के हैट। अच्छा बच्चे अब जरा तवज्जो दीजिएगा, इब्राहिम आपने ध्यान से समझना है क्योंकि आपको कुछ प्रॉब्लम थी इसमें। अच्छा बच्चे देखें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि जिन वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा 90 डिग्री हो तो उस केस में कॉस 90 डिग्री आएगा जीरो, यानी वो सारे के सारे वेक्टर क्या हो जाएंगे जीरो। यानी अगर किसी जगह आई डॉट के हो तो वो जीरो, अगर किसी जगह जे डॉट के हो तो वो जीरो, अगर किसी तरह जगह आई डॉट जे हो तो वो भी जीरो। अब जरा देखें, ये देखें ये क्या लिखा है आई डॉट जे, तो ये सारा जीरो, आई डॉट के जीरो, जे डॉट आई जीरो, जे डॉट के जीरो, के डॉट आई जीरो, के डॉट आई जीरो, सॉरी के डॉट जे है ये, लेकिन ये फिर भी जीरो होगा। तो आप देखें
कि किस तरह आपकी जो यूनिट वेक्टर्स हैं, अब इब्राहिम मुझे बताएगा कि यूनिट वेक्टर्स का काम क्या है। इब्राहिम प्लीज जरा बताएं क्या काम है यूनिट वेक्टर का। डायरेक्शन बताना, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कि यहां पर मैथमेटिकली मैथमेटिकली जितने भी यूनिट वेक्टर्स थे सारे क्या हो गए हैं, कैंसिल। कुछ रह गए हैं ना, उनकी बात कर लेते हैं, बाकी सारे क्या हो गए हैं, कैंसिल। बचे आपके पास ये वाला, बचा आपके पास ये वाला, और बचा आपके पास ये वाला। तो अभी हमने बात की है कि अगर आई डॉट आई को करें तो प्रूव किया वन आएगा, जे डॉट जे को करें तो प्रूव किया वन आएगा, और के डॉट के को करें तो हमने प्रूव किया कि वन आएगा। तो बाकी तो सारी डायरेक्शन खत्म हो गई। अब खत्म कैसे हुई, हर बंदा कहता है खत्म हो गई, लेकिन वो बताता नहीं है कैसे हुई। वो ऐसे हुई कि उन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को शो करने के लिए जितने भी यूनिट वेक्टर्स थे, करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स थे, वो सारे एक दूसरे के साथ मैथमेटिकली ही कैंसिल हो गए। फिर वो मैथमेटिकली कैंसिल हो गए, उनकी डायरेक्शन ही खत्म हो गई, क्योंकि डायरेक्शन शो करने वाले यूनिट वेक्टर्स थे, और जब डायरेक्शन शो करने वाला ही खत्म हो गया तो डायरेक्शन कहाँ रहेगी, डायरेक्शन ही रहेगी। तो इसलिए यहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी डॉट प्रोडक्ट, जिसका हमने नॉर्मली आंसर क्या पढ़ा है, ए बी कॉस थीटा, लेकिन यहां पर हमारे पास आंसर आया है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो आप देखेंगे यहां पर किसी भी तरह की कोई डायरेक्शन नहीं है। क्यों कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि सारी डायरेक्शन खुद ब खुद ही मैथमेटिकली कैंसिल हो गई। साइंस में दो ही तरीके हैं, एक्सपेरिमेंटली मैथमेटिकली। अगर कोई चीज एक्सपेरिमेंटली साबित हो जाती है हम उसको मान लेते हैं, अगर कोई चीज मैथमेटिकली साबित हो जाती है हम उसको मान लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये मैथमेटिकल मेथड्स हैं, दीज आर द मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स। और हमने मैथमेटिकली साबित किया कि जब डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स की ली जाती है तो उस केस में डायरेक्शन शो करने वाले नुमाइंदे यानी कि यूनिट वेक्टर्स कैंसल हो जाते हैं मैथमेटिकली। तो डायरेक्शन नहीं है, इसलिए अगर आप दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करें तो उनके पास डायरेक्शन नहीं रहती, क्योंकि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है डॉट प्रोडक्ट से तो उनके कंपोनेंट्स के जो डायरेक्शन बताने वाले हैं वो ही कैंसिल हो जाते हैं। इब्राहिम बच्चे, बाकी बच्चे, जितने भी लोगों को इस मामले में कंफ्यूजन थी, मुझे उम्मीद है और गारंटी है कि समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं भी आई तो मैं इधर ही, लेकिन मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो ओके करें। सर रिपीट कर दें, ये कौन कह रहा है, एसन फॉर, एसन फॉर। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये प्रोडक्ट में देखें जितने भी यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स का काम है डायरेक्शन बताना, तो जितने भी यूनिट वेक्टर्स जिनका काम डायरेक्शन बताना है वो सारे कैंसिल हो गए, वो सारे कैंसिल हो गए, तो डायरेक्शन बताने वाला बचा कोई नहीं बचा। इसलिए डॉट प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनके पास डायरेक्शन नहीं रहती, क्योंकि डायरेक्शन बताने वाले ही नहीं रहे, डायरेक्शन बताने वाले हैं यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स ही नहीं रहे, यूनिट वेक्टर्स ही नहीं रहे, तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन बताने वाले ही नहीं रहे, डायरेक्शन नहीं रही, तो ए डॉट बी का आंसर क्या होगा, स्केलर। अब समझ आ गई ऐसा, बाकी बच्चे भी ओके करें। एसन एसन बच्चे बताएं। सर इसमें आई डॉट आई कौन सा है, वो वन हो जाएगा इसलिए हम उसे इग्नोर कर रहे जी, तो सर हैं। क्या बोलना चाह रहे वैसे फॉर, आ गई है समझ, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है, समझ आ गई है। चलें, कॉलेज में पढ़ लिया ये वाला चैप्टर तुमने एसन?
तो उन्होंने आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाई है कि छुड़वा दी है? क्योंकि वो प्री फर्स्ट ईयर में कुछ टॉपिक छुड़वा भी देते हैं, छुड़वाए होंगे आपको वैसे। नहीं सर पढ़ाया था, मगर वो एक दिन में डॉट और क्रॉस उन्होंने पूरे करवा दिए हैं। मुझे पता कुछ नहीं लगा कि क्या हुआ क्या नहीं, मुझे समझ नहीं थी अभी तक। कोई नहीं कोई नहीं, अब समझ आ गई है ना। जी सर, चलें चलें ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लें इसका, स्क्रीनशॉट लें शाबाश जल्दी से। जी बच्चे यहाँ तक किसी को कोई मसला मसाया तो नहीं? अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई बात ऐसी है जो सवाल में भूल गया हूँ आपका, वो रह गया हो तो कर लें, क्योंकि हमारे पास 15 मिनट रह गए हैं, उसमें मैं क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ा सकता और शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि फिर 2 दिन पे टॉपिक चला जाएगा, वो समझ नहीं आएगा, तो इसलिए जो है ना। हाँ ठीक है नुमान, मैं बता देता हूँ प्रोजेक्शन आपको, तो जो इसलिए जो चीजें रह गई हैं वो मेरे से पूछ लें। सफा आपका भी एक क्वेश्चन था, जरा रिपीट करें, मुझे भूल गया है। अच्छा बच्चे आप इमेजिन करें कि यहाँ पर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर का हम नाम रख देते हैं वेक्टर ए और एक वेक्टर का हम नाम रख देते हैं वेक्टर बी। अब तवज्जो दीजिएगा, बड़े ध्यान से आप लोगों ने बात को देखना है, बड़ी तवज्जो से समझना है। अगर मैं यहाँ पर ऊपर एक लैंप लगा दूं, बल्ब लगा दूं, तो इस बल्ब से जो रोशनी वेक्टर बी पर पड़ेगी, तो अब आपको पता है कि अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इतना साया वेक्टर बी का किसके ऊपर बनेगा? वेक्टर ए के ऊपर। यानी अगर मैं ऊपर एक बल्ब लगा दूं तो वेक्टर बी का जो साया है, परछाया है, वो किसके ऊपर बनेगा? वेक्टर ए के ऊपर। और वो कितने हिस्से में बनेगा? इतने हिस्से में। तो ये जो है ना, ये वाला हिस्सा जो ब्लू वाला मैंने किया है वेक्टर ए पर, इसको एक्चुअली बोलते हैं बी कॉस थीटा, और इसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी बी वेक्टर की प्रोजेक्शन किस वेक्टर के ऊपर? ए वेक्टर के ऊपर। अब अगर आप यहां पर गौर करें तो हमने किया क्या है, हमने बी वेक्टर का साया किस वेक्टर के ऊपर बनाया है? ए वेक्टर के ऊपर। और तरीका क्या है बी वेक्टर का साया ए वेक्टर के ऊपर बनाने का? कि बी वेक्टर से नीचे, ये आपको मैं पॉइंटर दिखाता हूं, नजर आ रहा है रेड कलर का, बी वेक्टर से नीचे की तरफ, नीचे की तरफ एक लाइन बनानी है जो कि परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर, ए वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। तो अगर आप एक परपेंडिकुलर नीचे गिराएं, बी वेक्टर की हेड से नीचे एक परपेंडिकुलर गिराएं, तो पीछे जितनी ए पर लाइन बचेगी उसके ऊपर बी वेक्टर का साया बनेगा, जिसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। सर प्रोजेक्शन तो सोर्स ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करेगा कि जहां से लाइट पड़ रही होगी या जिस एंगल पर पड़ रही होगी। बेटा ये समझाने का तरीका है बल्ब, वैसे आपने ऊपर से ही गिरानी है लाइट, साइड से या इधर से ऊपर नहीं गिरानी, ऊपर से गिरानी, बिल्कुल ऊपर से। ये तरीका है सिर्फ समझाने का। अब मुझे बताएं कि जिन लोगों को मेरी ये वाली बात समझ आई है वो ओके करें, उन्हीं को दूसरी समझ आएगी। अच्छा बच्चे अब जरा देखें, मैं यहाँ पर वही 2 वेक्टर्स दोबारा ड्रॉ करता हूँ। तो लेट्स से ये मेरे पास है वेक्टर ए और यहाँ पर मेरे पास है वेक्टर बी। अब मुझे बताएं कि पहले तो मैंने वेक्टर बी का साया किसके ऊपर बनाया था? ए के ऊपर। और किस तरीके से बनाया था? बी से एक प्रोजेक्शन 90 डिग्री पर नीचे गिराई थी। अब अगर मैं यही बल्ब इधर नीचे रखूं और ये ए वेक्टर का साया बी वेक्टर पर बनाए, तो तरीका तो वही रहेगा। क्या तरीका है? इधर देखें जरा, अगर मैंने बी वेक्टर का साया बनाना था, बी वेक्टर का साया बनाना था,
तो नीचे क्या गिराई थी, 90 डिग्री पर क्या गिराई थी, प्रोजेक्शन। अब अगर मैंने ए वेक्टर का साया बनाना है तो मैं बी वेक्टर के ऊपर 90 डिग्री पर क्या गिराऊंगा, प्रोजेक्शन। यानी ए वेक्टर का साया बनाने के लिए बी वेक्टर के ऊपर लाइन बनाऊंगा कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, जैसे मैंने यहां पर किया था। बी वेक्टर का साया बनाने के लिए ए वेक्टर के ऊपर मैंने प्रोजेक्शन गिराई थी कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो अगर मैंने ए वेक्टर का साया बनाना है, अब उल्टा करना पड़ेगा। अब मुझे ए वेक्टर की प्रोजेक्शन 90 डिग्री पर गिरानी पड़ेगी, किस वेक्टर के ऊपर, बी वेक्टर के ऊपर। तो यहां से मैं करूंगा क्या कि मैं यहां से बी वेक्टर, ए वेक्टर के हेड से एक लाइन ड्रॉ करूंगा। उस्मान इजाज अपना व्हाइट बोर्ड बंद करो। जी बच्चे, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि अगर मेरे पास यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, लेट से पहले वेक्टर का नाम मैंने रखा वेक्टर ए और दूसरे वेक्टर का नाम मैंने रखा वेक्टर बी, और अगर मैंने बी की प्रोजेक्शन ए पर गिरानी है तो तरीका ये था कि बी से 90 डिग्री पर लाइन नीचे लानी पड़ती थी, और बाकी बची कुची को हम बोलते थे प्रोजेक्शन, जिसको जिस तरह हमने यहाँ पर इसको बोला था बी कोस थीटा। बिल्कुल इसी तरह अगर मैंने उल्टा काम करना हो, अगर मैंने यहाँ पर ए वेक्टर की प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी हो बी वेक्टर के ऊपर, तो फिर मुझे ए वेक्टर से एक 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि इस वेक्टर को टच करेगी बी वेक्टर को। तो यहां से मुझे ए वेक्टर से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि बी वेक्टर पर आए 90 डिग्री पर। अब अगर आप इस लाइन को देखें तो ये वाली लाइन का एंगल बी पर कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो अब इससे पीछे पीछे जो इलाका बच गया है ना, यहां से यहां तक, वो ए वेक्टर का कंपोनेंट है, ए कोस थीटा। समझ आई बात? अब तो शुरू में यहां पर हमने किया क्या था, यहां पर हमने बनाई थी प्रोजेक्शन ऑफ बी, ऑन ए, बी वेक्टर की प्रोजेक्शन ए वेक्टर पर। लेकिन यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने बनाई है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। नुमान अशरफ बताएं जी, समझ आई? ये कुछ बच्चे छोड़ के जाते जा रहे हैं, लीव करते जा रहे हैं, आठ रह गए हैं, अरूज भी नहीं है, और बाकी बच्चे भी लीव कर गए हैं। कुछ नहीं समझ आई? क्या समझ नहीं आया इसमें? वॉइस चैट ऑन करके बात करें मेरे से, क्या समझ नहीं आया? और कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात समझ ना आई हो, वो भी नो करें, जिनको आ गई है वो ओके कर दें। सर वेक्टर भी ऊपर कर दे प्रोजेक्शन के लिए। नहीं, बच्चे ऐसा नहीं हो सकता, आज का बच्चे ऐसा नहीं हो सकता। चलें मैं आपको, देखें देखें, वैसे ये जो तरीका मैंने अपनाया था ये सबसे आसान तरीका था, पता नहीं समझ क्यों नहीं आई। सर ये ए वेक्टर नीचे है, ऊपर कैसे प्रोजेक्शन हुई? क्योंकि बल्ब हमने नीचे लगा दिया था, बल्ब नीचे लगा दिया था, यहां पर इधर बल्ब लगा दिया था, तो इसका साया कहाँ बनेगा फिर, ऊपर बनेगा ना। आप समझ आई है? अच्छा कल मैं आपको इसको एनिमेशन के साथ समझा दूंगा दोबारा से, एक दफा दोबारा समझा दूंगा, आज जितना समझ आ गया गुजारा कर ले। जब आप खुद ये चीज प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। नुमान अशरफ क्या करना चाह रहा है तुम?
अच्छा पर आज जब आप इसको प्रैक्टिकली खुद करेंगे ना समझ आ जाएगी, लेकिन कल मैं आपको एनिमेशन के साथ समझा दूंगा, ठीक है ना? एनिमेशन के साथ क्लियर कर दूंगा। बाकी आज हम एक और सवाल क्लियर कर लेते हैं, सफा का क्वेश्चन है। नहीं, मैं कल आपको एनिमेशन से समझाऊंगा तभी समझ आएगी। अच्छा सफा का क्वेश्चन ये था कि सर रिलेटिव टर्म्स क्या होती हैं? बच्चे रिलेटिव टर्म्स के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, रिलेटिव टर्म्स होती हैं इन रिलेशन टू सम अदर, किसी दूसरी क्वांटिटी के रिलेशनशिप में जो टर्म्स बनाई जाती है ना उनको बोलते हैं रिलेटिव टर्म्स। दूसरी बात इनके बारे में याद रखनी है, जो भी रिलेटिव टर्म होगी जिंदगी में उसके पास कभी भी यूनिट नहीं होगा, वो यूनिट लेस होगी। अब आपको इसकी मिसाल मैं आपके ही टॉपिक में से देता हूँ, अनसर्टनिटी आपने पढ़ी है, तो अनसर्टनिटी की कुछ टाइप्स हैं। एक अनसर्टनिटी है एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी, एक अनसर्टनिटी है फ्रैक्शनल अनसर्टनिटी, और एक अनसर्टनिटी है परसेंटेज अनसर्टनिटी। पता नहीं आपने मेरे से ये लेक्चर पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, लेकिन तब मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी जो है ना उसको एब्सोल्यूट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रिलेटिव नहीं है, जबकि ये दोनों जो हैं ये हैं रिलेटिव अनसर्टनिटीज। रिलेटिव अनसर्टनिटीज का मतलब ये है कि एक्चुअली ये जो है ये डिपेंड करती हैं ऑन मेजरमेंट, आपकी रीडिंग पर डिपेंड करती हैं ये दोनों। अगर आपकी रीडिंग बदल जाएगी तो इनकी वैल्यू भी बदल जाएगी, जबकि ये जो है जो एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी है वो एक्चुअली डज नॉट डिपेंड ऑन रीडिंग, वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करती है, रीडिंग पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए वो एब्सोल्यूट है। और फ्रैक्शनल और परसेंटेज जो है वो मेजरमेंट पर डिपेंड करते हैं, इसलिए वो क्या है रिलेटिव। और यही वजह है कि जो फ्रैक्शनल अनसर्टनिटी और परसेंटेज अनसर्टनिटी है इनका कोई यूनिट नहीं होता। कोई यूनिट ना होने का मतलब है क्योंकि ये रिलेटिव यूनिट अनसर्टनिटीज है ना, रिलेटिव टर्म्स है, तो रिलेटिव टर्म्स होने की वजह से इनका कोई यूनिट नहीं होता। बात समझ आई बच्चे? सफा अगर आपको क्लियर है तो ओके करें, फिर मैं लेक्चर एंड करता हूं। प्लीज टाइमली रिस्पॉन्स किया करें जल्दी से। लगता है कि सफा सो गई है। अच्छा चलें चलें ठीक है, बाकी इसके बारे में फिर मैं कल डिस्कस करूंगा। यहां तक ओके है सबको? ओके बच्चे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।